ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ये क्लास वन के लिए हम सॉल्यूशन शीट भेज रहे हैं। सब्जेक्ट है ईवीएस, ये आपकी बुक है जिसका कवर पेज है, और आपका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है माई सेल्फ। ठीक है, इसकी हम सॉल्यूशन शीट भेज रहे हैं आपके पास, आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये सॉल्यूशन शीट आपको घर पे करनी है, नोटबुक में करनी है, और फिर व्हाट्सएप पे हमें भेजनी है। हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं क्लास वाइज, जैसे ये क्लास फर्स्ट एक के लिए है, क्लास वन के लिए है, तो क्लास वन का हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं, ऐसे ही क्लास टू का। ठीक है, सो ये आपको करनी है। मैं इसके लिए आपको पूरा समझा रहा हूँ इस वीडियो में कि कैसे इसको करने हैं, क्वेश्चन आंसर को आपको कैसे करना है। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है माई सेल्फ। सो माई सेल्फ, जैसा इसका नाम बता रहा है, माई मीन्स मेरा, सेल्फ मीन्स मतलब अपने बारे में, मतलब ये आपको अपने बारे में ये चैप्टर है कि माई सेल्फ, जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ तो मुझे अपने बारे में इस चैप्टर में बताना है। जैसे इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि भाई मेरा फेवरेट फूड कौन सा है, फेवरेट कलर कौन सा है, ये सब मेरे संबंधित इसमें बातें हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, नहीं तो अपना वीडियो ना लेंथी हो जाएगा। देखिए, पहला है ए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स हैं इनको आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है? पहला क्वेश्चन है फूड। फूड माई फेवरेट मीन्स जो आपका फेवरेट फूड हो उसको यहाँ पे आपको लिखना है, इस ब्लैंक्स में लिखना है। ठीक है, जो भी आपका फेवरेट फूड हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट फूड है राइस एंड दाल, तो मैं अपना लिखूँगा RICE एंड दाल। सो ये मेरा फेवरेट फूड है। हो सकता है आपका फेवरेट फूड चपाती या कोई वेजिटेबल हो, तो आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद है कलर, नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स का। दूसरा है कलर, सो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कलर भरना है आपका फेवरेट। इसमें मैंने ब्रैकेट में डाला है माय फेवरेट, मींस आपका फेवरेट जो कलर है वो आपको इसमें यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद है सीजन। सीजन का मतलब होता है कि ऋतुएं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई, किसी को जैसे किसी का विंटर फेवरेट सीजन होता है, किसी का समर होता है, किसी का रेनी होता है, तो आपको अपना फेवरेट सीजन यहाँ पे लिखना है। फिर है फ्लोवर, ऐसे ही आपको अपना फेवरेट फ्लोवर का नाम लिखना है। फिर है फ्रूट, आपको अपना जो आपकी अपना अपना फेवरेट है, आपकी पसंद का जो फ्रूट है उसको यहाँ लिखना है। फिर है एनिमल, है ना, किसी का फेवरेट एनिमल डॉग होता है, किसी का कैट होता है, किसी का काऊ, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके अंदर है माई फादर नेम इज। सो इसमें आपके फादर का जो नेम है वो आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन जब भी हम अपने मदर फादर का नाम लिखते हैं, तो फादर का नाम लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो हम श्री लगाते हैं, SHRI, लेकिन आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो मिस्टर लगाते हैं, एम बड़ा आर छोटा और एक डॉट, मिस्टर। जैसे किसी के फादर का नाम मिस्टर भगत सिंह है, तो वो लिखेगा माई फादर नेम इज मिस्टर भगत सिंह। ठीक है बेटा, ऐसे ही इज ए। अब यहाँ आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, मीन्स उनका व्यवसाय क्या है, वो काम क्या करते हैं। जैसे कोई पुलिस में है तो आपको लिखना है ही इज अ पुलिसमैन। या किसी का फादर डॉक्टर हैं, किसी के पापा डॉक्टर हैं, तो उसको लिखना है ही इज अ डॉक्टर। तो जो भी आपके पापा हैं, फार्मर हैं, पुलिस में हैं, जो भी हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है माई मदर नेम इज, आपको अपनी मदर का, माता जी का नाम यहाँ पे लिखना है। तो मैंने बताया था कि फादर के नाम से पहले हम मिस्टर लगाएंगे और हिंदी में हम श्री लगाते हैं, ऐसे ही मदर के नेम के लिए हम हिंदी में श्रीमती लिखते हैं, और यहाँ पे आप मिसेज लगा सकते हैं, एम बड़ा आर फिर एस छोटा फिर डॉट। आप इवन श्रीमती भी लिख सकते हैं बेटा, एस छोटा एम और टी और डॉट,
माई मदर नेम इज श्रीमती, जैसे आशा देवी है तो श्रीमती आशा देवी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, सी इज अ, वो क्या काम करती हैं, जैसे किसी की मम्मा घर का काम करती है तो हम उनको लिखेंगे हाउस वाइफ, किसी की मम्मा जैसे बैंकिंग में काम करती हैं तो आप लिखेंगे जो भी, मतलब जो भी वो काम करती हैं उनका आप ऑक्यूपेशन, जैसे आपने अपने फादर का ऑक्यूपेशन लिखा था, किसी की मम्मा पुलिस में है तो आप लिखोगे सी इज अ पुलिस वूमेन, या डॉक्टर है सी इज अ डॉक्टर, या डिफेंस में है तो जो भी बेटा है। इसके बाद लिखने हैं बेटा आई हैव अ, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रैकेट में देखा मैंने लिखा है ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर। सो इसमें आपको लिखना है कि आपके आई हैव अ ब्रदर, जैसे आपके भैया हैं ब्रदर हैं तो ब्रदर लिखना है, सिस्टर है तो सिस्टर लिखना है, आपके अलावा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे एक सिस्टर है तो मैं लिखूँगा आई हैव अ सिस्टर, ठीक है बेटा। अब हम इसको टर्न करते हैं पेज को, फिर कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देखिए इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला है माई फेवरेट हॉबी इज, मतलब मेरी पसंदीदा हॉबी आदत क्या है, जैसे हर किसी की पसंदीदा आदत होती है ना, हॉबी होती है जिसको हम हॉबी कहते हैं, किसी की जैसे कोई गेम खेलने की हॉबी होती है, किसी की साइकिलिंग की हॉबी होती है, किसी की डांसिंग की हॉबी होती है, किसी की म्यूजिक की हॉबी होती है, तो आपको अपनी हॉबी यहाँ पे लिखना है इंग्लिश में, जैसे किसी की डांसिंग की हॉबी लिखना है तो वो लिखेगा माई फेवरेट हॉबी इज डांसिंग, DANCING, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है राइट योर हॉबी। नेक्स्ट है बेटा माई बेस्ट फ्रेंड्स आर, इन ब्रैकेट में मैंने लिखा है आपको हेल्प के लिए, हिंट के लिए राइट देयर नेम, सो आप माई बेस्ट फ्रेंड्स आर, जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं उनके मुझे नाम लिखना है, जैसे मेरे महेश हैं तो मैं लिखूँगा महेश, और जैसे दो हैं तो महेश एंड सुनील, है ना, या आपके किसी के तीन हैं मान लो महेश कोमा सुनील कोमा एंड अभय, महेश कोमा सुनील एंड अभय, तो आपको अपने फ्रेंड्स का, किसी का एक ही है तो आप एक लिख सकते हैं, किसी के दो हैं इसलिए, वैसे मैंने यहाँ पे आर लगाया है आप प्लूरल के लिए होता है बट कोई नहीं, आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे, कोई भी आपके फ्रेंड होंगे किसी दो फ्रेंड्स के नाम लिख देंगे आप, ठीक है बेटा, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स का ही दिया है, आई गेट अप फिल इन द ब्लैंक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, आपको यहाँ पे लिखना है टाइम, मैंने ब्रैकेट में डाला है टाइम, सो आप जितने बजे मॉर्निंग में उठते हैं, गेटअप, बेड से उठते हैं उसको बोलते हैं बेटा गेटअप। एक होता है वोकअप, वोकअप का मतलब होता है बेटा जैसे सुबह हमारी आँख खुलती है, जैसे हमने अलार्म लगा दिया, अलार्म बजा तो हमारी आँखें खुल गई, उसको बोलते हैं वेकअप, WAKE वेकअप, या उसका पास्ट होता है वोकअप, लेकिन यहाँ पे गेटअप का मतलब होता है कि भाई हम बिस्तर से उठ गए, अपने बिस्तर से हम निकल लिए, उसका मतलब होता है गेटअप, तो आई गेटअप, जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ कि मैं 5 o'clock मॉर्निंग में गेटअप होता हूँ तो मुझे लिखना है आई गेटअप 5 लिखना है, 0 o'clock इन द मॉर्निंग। लास्ट क्वेश्चन है बेटा माई स्कूल नेम इज, तो आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे, वो आप सभी को पता है ND गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो यही है बेटा, ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा, मैंने आपको पूरे क्वेश्चन समझा दिए हैं, आपको फिर करने हैं, और ये क्लास फर्स्ट के EVS सब्जेक्ट से हैं। ओके बेटा, गुड डे।